सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे, देन ट्रांसलेट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रीति है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, माता पिता, मेरी बहन, मेरा भाई और मैं। मैंने BSc किया है सेंट लॉसियर कॉलेज से और MSc BHU से। मेरी ताकत है मेहनती, रचनात्मक दिमाग, सकारात्मक सोच। मैं एक अध्यापक बनना चाहती हूँ। मुझे सीखने सिखाने की प्रक्रिया पसंद है। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। मैं अपने देशवासियों के लिए काम करना चाहती हूँ। यह पूरा पैराग्राफ सेल्फ इंट्रोडक्शन या खुद का परिचय देने से रिलेटेड है, तो चलो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। मेरा नाम प्रीति है। मेरा मतलब माय, नाम मतलब नेम, इज मतलब है प्रीति। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा माय नेम इज प्रीति। मैं हूँ प्रीति। मैं मतलब आई, हूँ मतलब एम प्रीति। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आई एम प्रीति। आप दोनों तरीके से भी बोल सकते हैं, माय नेम इज प्रीति या फिर आई एम प्रीति, दोनों भी बहुत अच्छा वे है बताने का। मैं दिल्ली में रहती हूँ। यह सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, तभी हमको पहचान ती हूँ आया है, आप देख पा रहे हैं। मैं मतलब आई, लिव मतलब रहना, इन दिल्ली। यहाँ पे इन यूज किया गया है जो कि एक प्रपोजिशन है, पर इन ही क्यों प्रपोजिशन के यूज किया गया है? दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है, उसके शहर के अंदर हम रह रहे हैं, राइट, अंदर, इसलिए यहाँ पे इन का यूज किया गया है, आई लिव इन दिल्ली। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, माता पिता, मेरी बहन, मेरा भाई और मैं। मेरा परिवार मतलब माई फैमिली। मैं 5 सदस्य हैं, 5 मतलब 5, मेंबर्स मतलब सदस्य। यहाँ पे हैज का यूज किया गया है। हैज का यूज तब करते हैं जब कुछ होने के सेंस में, ये एक फैमिली है, राइट, फैमिली में 5 मेंबर हैं, इसलिए यहाँ पे हैज का यूज किया गया है। माय फैमिली हैज 5 मेंबर्स। पेरेंट्स में माता पिता दोनों आते हैं। माय सिस्टर मतलब मेरी बहन, माय ब्रदर मतलब मेरा भाई, एंड मतलब और मैं को इंग्लिश में आई लिखते हैं। आप कहेंगे कि इस पैराग्राफ में ग्रामर या पार्ट ऑफ स्पीच रिलेटेड क्या है, तो मैं बता देती हूँ। माय और आई, ये दोनों पर्सनल प्रोनाउन हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन का पहला पार्ट क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, राइट। पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है फर्स्ट पर्सन। तो माय और आई फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद इन जो लिखा हुआ है, यह प्रपोजिशन है और यहाँ फैमिली लिखी हुई है, राइट, फैमिली लिखी हुई है। यह जो फैमिली लिखी हुई है, इसका मतलब होता है मेंबरों का कलेक्शन। फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, मतलब इसने कुछ कलेक्ट करके रखा हुआ है। इट मीन्स यह कुछ ग्रुप को डिनोट कर रहा है, इसलिए कलेक्ट करके क्या रखा है, मेंबरों को, फैमिली। इसलिए फैमिली बनती ही है मेंबरों का कलेक्शनों से, राइट, इसलिए यह कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद प्रीति, ये जो नाम लिखा हुआ है इसमें नाउन पूछेंगे तो यह प्रॉपर नाउन है। दिल्ली भी प्रॉपर नाउन है। आप देख पा रहे हैं कि इस पैराग्राफ में कितने सारे पार्ट ऑफ स्पीच एंड ग्रामर पार्ट पढ़ा होता है, राइट, यही बेस्ट वे होता है ग्रामर लर्न करने का। मैंने BSc किया है, आप पढ़ पा रहे हैं कि मैंने BSc किया है। यह सेंटेंस जो लिखा हुआ है कंप्लीट है, राइट, कैसे कंप्लीट, क्योंकि वो हो चुका है, और है मतलब वो प्रेजेंट में, और कंप्लीट है तो यह टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज किया गया है, और वह चीज हो चुकी है इसलिए डू का थर्ड फॉर्म डन यूज किया है। आई हैव डन BSc, मतलब मैंने BSc पूरा कर लिया है। यहाँ पे फॉर्म का अगर आप हिंदी मतलब पूछोगे तो सेंट लॉसियस कॉलेज से, इसको हम लिखेंगे फ्रॉम सेंट लॉसियस कॉलेज। एंड मतलब होता है और, एंड के बाद हम लिखे हैं MSc फ्रॉम BHU, इसका हिंदी मतलब होता है BSc BHU से। सेम मतलब कि यहाँ पे फ्रॉम है,
राइट। मेरी ताकत है मेहनती रचनात्मक दिमाग, सकारात्मक सोच। मेरी मतलब माय, ताकत मतलब स्ट्रेंथ। हम अब लोगों के स्ट्रेंथ बता रहे होते हैं, यहाँ पे आर का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे तीन स्ट्रेंथ बताई गई है। पहला कौन सा है? हार्ड वर्किंग मेहनती, क्रिएटिव माइंड रचनात्मक दिमाग, और थिंक पॉजिटिव। ये तीन है, इसलिए हम आर का यूज करेंगे। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, माय स्ट्रेंथ आर हार्ड वर्किंग, क्रिएटिव माइंड एंड थिंक पॉजिटिव। राइट। मैं एक अध्यापक बनना चाहती हूँ। क्या है? विश है, अपनी विश ही तो बता रहे कि मैं ये बनना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पे वन टू का यूज किया है। बिकम का शॉर्ट फॉर्म बी है, जब हम बनने के सेंस में बिकम का यूज करते हैं, राइट। और उसके बाद हम ए आर्टिकल का यूज किए हैं टीचर के पहले, क्योंकि आप साउंड से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह व्यंजन साउंड दे रहा है, इसलिए ए आर्टिकल का यूज करेंगे। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मुझे सीखने सिखाने की प्रक्रिया पसंद है। अवश्य बात है, टीचर है तो इसे पढ़ना और पढ़ाने की प्रक्रिया पसंद होगी। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, सीखने सिखाने को इंग्लिश में टीचिंग लर्निंग कहते हैं। लाइक मतलब पसंद है, आई मतलब मुझे। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, आई लाइक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। लोगों की मदद करना मतलब लोग यहाँ पीपल होंगे, और हेल्प करना मतलब मदद, और इंजॉय का यहाँ सेंस है कि ये काम करने में मुझे मज़ा आता है या अच्छा लगता है, इसके सेंस पे यहाँ यूज़ किया गया है इंजॉय का। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, आई एंजॉय हेल्पिंग पीपल, मैं अपने देशवासियों के लिए काम करना चाहती हूँ। यहाँ भी एक विश ही है कि मैं ये करना चाहती हूँ, इसलिए वॉन्ट टू का यूज़ किया गया है। वर्क मतलब होता है काम, माय मतलब कि अपने, देशवासियों को का इंग्लिश वर्जन होता है कंट्री में। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर मतलब के लिए, फॉर मतलब के लिए, माय मतलब अपने, देशवासियों मतलब कंट्री में। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर माय कंट्री में, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर माय कंट्री में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो